दारा पर स्याही के बाद अब स्वामी पर फेंका गया जूता। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता से हमला। यूपी में जूता और स्याही पर सियासत हाई। दोनों तरफ से छोड़े जाने लगे सियासी तीर। अपने बयानों को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंका गया। हालांकि इस हमले से स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए, लेकिन भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह बचाकर उसे थाने पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान आकाश सैनी के तौर पर हुई है और वह स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार बयानबाजी को लेकर आहत था। जब पुलिस आरोपी आकाश सैनी को लेकर जा रही थी तो उसने मीडिया को बताया कि वह पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर बयान दे रहे थे, उससे वह आहत था। फिलहाल पुलिस इसे अपने साथ ले गई है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मेलन में भाग लेने गए थे, वहीं पर युवक ने उन पर जूता फेंक दिया। वहीं इस मामले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि इस तरह की घटना को किसी भी सूरत में डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन कल घोसी उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान जब बीजेपी प्रत्याशी पर स्याही फेंकी गई तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि यह बीजेपी का काम है। आज जो यह घटना हुई है उसे सपा ने करवाया है। इस पर सपा प्रवक्ता अभिषेक राय ने कहा कि यह घटना बीजेपी के इशारे पर हुई है। मऊ में जो हुआ वह भी बीजेपी प्रायोजित था। आरोपी ने खुद इस बात को कहा है। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।